इंडियन साधु, बहुत रहस्यमय, मोस्ट डेयरिंग ऑल्सो, डिफिकल्ट लाइफ, शमशानों में रहते हैं, अमंगस्ट द मुर्दा, अमंगस्ट द भूत प्रेत, वी शुड नॉट मेक देम एंग्री, वी शुड नॉट भड़काओ देम, अदरवाइज दिस शमशान विल बी आवर शमशान। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम किसी शमशान में किसी अघोरी बाबा से मिलने नहीं जा रहे, बल्कि किसी गुफा में किसी शेर से मिलने जा रहे हैं। इसलिए हमें जो इज्जत देनी है वो तो देनी है, वरना जान जानी है। Is that okay, Steven? Excellent, Devendu. Well done. Isn't this exciting, Amanda? Excited? लेकिन बहुत डर भी लग रहा है। Relax, Amanda. अरे मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। Just follow me. इसमें डरने की क्या बात है? चलें। चले भाई, ठीक से समझा दिया ना बाबा लोग के सामने? अरे सब समझा दिया है, तुम चिंता क्या कर रहे हो? भैया चिंता हमें अपनी नहीं है, चिंता हमें आप लोगों की। जरा भी ऊंच नीच हुई तो कहीं वो ना हो जाए जो पिछले महीने वो जर्मन टोली के साथ हुआ था। अरे भाई डरा क्यों रहे हो तुम? What's he saying? No, he's saying best of luck. कम 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 कम। जगरन बाबा की जय हो। जय शिव शंभु, जय महाकाल। जगानंद बाबा वो लोग आ गए हैं। जय महाकाल। क्या देखने आयो? हाँ, क्या घोरी शमशान में कैसे शव का मांस खाता है, कैसे उनके साथ भोग संभोग करता है? हाँ, कैसे धूम्रपान और मदिरा के नशे में धुत होकर नाचता है, यही देखने आए हो ना? और यही दिखाना चाहते हो तुम अपने देश में टीवी पे कंप्यूटर पे? क्यों, यही छवि है ना हम लोगों की तुम्हारे मन में? हाँ नहीं बाबा जी, हम तो दुनिया को आपकी सही छवि दिखाना चाहते हैं। So, tell me, Baba, why is the Aghori the most feared of all Indian aesthetics? बाबा ये पूछ रही है कि साधकों में लोग अघोरियों से सबसे ज्यादा घबराते क्यों हैं? काहे घबराते हैं? जरा एक बात बताइए, क्या आज तक किसी अघोरी ने जात पात का कोई विवाद किया है? राज या राजनीति में घुसकर आम आदमी के जीवन को कभी उथल पुथल किया है? अरे अघोरी तो इन सब चीजों से परे हैं। हमें आप जिंदा लोगों से ज्यादा उन मुर्दों में खुशी मिलती है। यदि आपत्ति होनी चाहिए तो उन्हें होनी चाहिए, आप लोगों को नहीं। गुरुदेव, इनकी ये मजाल, आप ही के सामने आपके शिष्य को? तेरी ये हिम्मत, यही के यही भस्म कर दूंगा तुझे। बाबा जी, बाबा जी माफ कर दो, पता नहीं तेरे को गलती होगी। बाबा हमारे आदमी को बोला बेहेव करने के लिए, अनकूट गवाह। तूने मेरे शिष्य को गाली देकर मुझे गाली दी है। इस शमशान और हमारी साधना का अपमान किया है तूने।
इसका भुगतान तुझे अपनी सांसों से देना होगा। चले जाओ, जाओ यहां से, इससे पहले कि हम कुछ कर बैठे। और सुन, तू कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। कल का सूरज तेरी किस्मत में है या नहीं ये मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। फोन करना है। क्षमा करें महाराज, आपकी दुकान है। चल बिस्कुट दे। अबे और दे, रख पीछे जा। हेलो, जय शिव शंभु। बोलिए। केडी पाठक बात कर रहे हैं जी, आप कौन? देखिए, हम हरिद्वार से अघोरी चंडीदास बात कर रहे हैं, परम पूजनीय बाबा जगानंद जी के शिष्य। बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जगानंद बाबा? जगानंद बाबा वही हैं जो ऋषिकेश में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के। हाँ वही। देखिए, हमारे बाबा पूरी तरह से निर्दोष हैं और अब उनको बचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, आप ही को उन्हें बचाना पड़ेगा। देखिए, बहुत पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम है, और आप बहुत भाग्यशाली है कि बाबा ने स्वयं आपको चुना है। तो बताइए कब आ रहे हैं आप? ऐसे ही। और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? आपकी माता श्री ने। बहुत बड़ी भक्त है हमारे बाबा की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे फोन काटते पश्चात ही उनका फोन आपको आ जाएगा। ठीक है केडी भैया, तो मिलते हैं गंगा जी के तट पर। जय शिव शंभू। Is everything okay, sir? Yeah, everything's fine, yeah. किसको फोन था सर? पता नहीं, कोई बाबा। हाँ माँ। शमशान की राख है, चकित ना हो बच्चा, अच्छा बुरा सब भीतर है। आत्मा में अगर खोट हो तो अमृत भी विष की तरह लगता है, और अगर आत्मा में खोट ना हो तो विष भी अमृत के समान है। वैसे ये कई अंतरराष्ट्रीय त्वचा निखार विधियों में इसका इस राख का इस्तेमाल होता है। होता है ना? निखार। बच्चा, ये हमारा वस्त्र है, भगवान भोलेनाथ का चिन्ह। तो बाबा जगानंद, क्या आपने? नहीं, हमने नहीं मारा उस फिरंगी को, लेकिन अगर मारा भी होता तो कोई कुछ नहीं कर सकता था हमारा।
अरे अघोरी को तो सात खून माफ, सात खून के बाद आठवां होए तो अघोरी अघोरी ना होए। ये बात अब नहीं कहूंगा अदालत में, लेकिन तू भी हमारे दर्जे को जान ले। अरे मारने का तो लाइसेंस आया में उसने दिया है उसने, लेकिन 12 साल की तपस्या के बाद एक साधक किसी की हत्या करे तो सिद्धि का फायदा क्या? हमने नहीं मारा उसे, हाँ क्रोधित अवश्य किया था उस फिरंगी ने हमें, और ये क्रोध, बस ये क्रोध ही तो कमजोरी है हमारी, वरना हत्या हत्या कभी नहीं। तो आप उस कहां था उस रात, यही जानना चाहता है ना? बताता हूं, पहले तू ये बता कि तुझे तो तेरी मां ने यहां हमारी जान बचाने को भेजा, इसलिए तू आ गया। तेरा बाप कहता तो क्या आता तू? नहीं ना। आपको मेरे पिता और मेरे बीच में सब कुछ मालूम है, और तू नहीं जानता कि मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए तुझे खुद अपनी मृत्यु से गुजरना होगा। जहां भोले बाबा की। मैंने बहुत डरावने किस्से सुने हैं नगोरियों के बारे में सर। सर ट्रस्ट मी, ये बहुत संकी टाइप के लोग होते हैं। अरे तू कितना डरता है यार, है? ये लोग सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और तू इस केस की सत्य की खोज में इतना नहीं कर सकता। तू चिंता मत कर, ये लोग सिर्फ मुर्दे इंसानों को खाते हैं, जिंदा को नहीं। तो जिंदा है अभी, डोंट वरी यार। हाउ डेयर यू, तो तुम वही सिटी लॉयर हो जो स्टीवन के मर्डरर को बचाने आया? हाउ कैन यू? मैडम मैडम देखिए, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं यहाँ स्टीवन के हत्यारे को बचाने नहीं, असल हत्यारे को ढूंढ कर उसे सजा दिलवाने आया हूँ। देन व्हाई आर यू सेविंग दैट अघोरी? ही इज अ किलर। अरे वो अघोरी निर्दोष है, उसने मेरे स्टीवन को। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। जरा संभालिए आप मैडम को। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ। रुकिए 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 बाबा, जगानंद जी के बारे में कुछ पूछना था आपसे। उससे पहले तू मेरे प्रश्न का जवाब दे बच्चा, तुझे नर्क जाना है या स्वर्ग? यदि तू मेरे शिष्य जगानंद को नहीं बचा पाया तो तेरे नरक की सीट की गारंटी मैं तुझे देता हूं। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। वेलकम टू हरिद्वार केडी भाई, अब यहाँ इतनी दूर आए हो तो मोक्ष प्राप्त करके ही जाना। जय भोलेनाथ। न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। न्यायाधीश महोदय, इससे पूर्व मैं अपने तर्क देना आरंभ करूं, आप सभी के समक्ष मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि कानून की दृष्टि में अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, जाति पात, साधु और शैतान सभी एक समान है। कानून यदि कुछ देखता है तो मात्र दोषी को या फिर निर्दोष को। इसलिए कटघरे में खड़ा हुआ यह व्यक्ति हमारे लिए ना तो कोई साधक है और ना कोई अघोरी, ये मात्र एक आम इंसान है। ये है अगर कुछ तो सिर्फ दोषी।
प्रोसिक्यूटर पंत, यूं शब्दों के बाण चलाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप इन्हें दोषी ठहराना चाहते हैं तो इनका दोष प्रमाणित करना होगा। मैं वही सिद्ध करने जा रहा हूं केडी। न्यायाधीश महोदय, लंदन से दो लोग, स्टीवन मार्क्स और अमेंडा थॉमस, अघोरियों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए और वो 11 जनवरी की रात को दुधेरी ताल के शमशान घाट में श्री जगानंद जी से मिलने गए। वहां पर जगानंद जी और स्टीवन के बीच कुछ तर्क वितर्क हुआ और मामला इतना गर्म हो गया कि जगानंद जी ने स्टीवन को मौत की धमकी दे डाली और उस रात अध्यक्ष महोदय, ये तो थी थियरी, आइए प्रैक्टिकल पर चलते हैं। सबूत। पुलिस को ये तकिया शमशान घाट के पास जो झाड़ियां हैं वहां से मिला है। ये वही तकिया है न्यायाधीश महोदय, जिससे स्टीवन की सांसें बंद की गई थी और इस पर शमशान घाट की मिट्टी से सने हुए उंगलियों के निशान पाए गए हैं और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट यह कहती है कि वो निशान श्री जगानंद की उंगलियों के निशान से मिलते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। जगानंद जी, आपकी उंगलियों के निशान स्टीवन मार्क्स के तकिए पर कैसे? यही प्रश्न तो इस समय हमारे मन में घूम रहा है। उस लड़के को मारना तो दूर, उस फिरंगी के तकिए को हमने छुआ तक नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। साधक कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो वो बोलते हैं जिन्हें किसी बात का भय हो। हमें किस बात का भय? मृत्यु का? मृत्यु तो जीवन है हमारे लिए। नॉनसेंस, ढोंग कर रहे हैं आप। आप कहते क्यों नहीं कि आप ही ने स्टीवन को मारा है? न्यायाधीश महोदय, मैं अपना पहला गवाह प्रस्तुत करने जा रहा हूं, स्टीवन और अमेंडा का कैमरामैन दिव्येंदु सक्सेना। अनुमति है सर। उस रात मैं, स्टीवन और अमेंडा जब अपने टेंट में वापस आए तो मैं तो बैठ के अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था, लेकिन स्टीवन और अमेंडा में लड़ाई शुरू हो गई तो उनको रोकने के लिए मैंने अपना कैमरा साइड में रखा और उनके पास गया, लेकिन मैं कैमरा ऑफ करना भूल गया। कैमरा ऑन था, साइलेंट मोड पे था, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही थी। सारी रात कैमरा वहीं पे पड़ा रहा, रिकॉर्डिंग होती रही। और सर, जब हम लोग रात में सो रहे थे तो उस कैमरे में पता नहीं कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिसे देख के हम सब हैरान हो गए। न्यायाधीश महोदय, यदि आपका आदेश हो तो मैं वो रिकॉर्डिंग दिखा दूं। अफसोस कि ये टेप यहीं पर खत्म हो गया, अन्यथा हम जगानंद जी को स्टीवन मास्क का मर्डर करके बाहर आते हुए भी देख लेते। मुझे पूरा विश्वास है मिस्टर केडी कि आप इस रिकॉर्डिंग को झूठा नहीं कह पाएंगे। जगानंद जी, सभी ने यहां पर, सभी ने आपको स्टीवन के टेंट में जाते हुए देखा है। हाँ, मैं गया था उस फिरंगी के पास, लेकिन उसके पास जाने का कारण उसको मारना नहीं, उससे क्षमा मांगना था। क्षमा मांगने? उस रात उन लोगों के जाने के बाद हमारे चेलों से हमें सत्य का पता चला कि किस तरह हमारे ही शिष्य चंडीदास ने उस लड़की के साथ छेड़खानी की।
और उस फिरंगी को गुस्सा आ गया और उसने चंडीदास को धक्का दिया। इस बात से हम बहुत क्रोधित थे, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ तो हम उसे क्षमा मांगने गए। अविश्वसनीय, एक अघोरी, एक साधक, एक आम आदमी से माफी मांगने गया, क्षमा मांगने गया। क्या अघोरी कोई भगवान है? नहीं नहीं, मुझे पता है भगवान नहीं होता, लेकिन फिर भी रात को 2:30 बजे टेंट में जाकर। हमारे लिए रात ही दिन है। चलिए मान लिया कि अघोरी दिन और रात में कोई अंतर नहीं करते हैं। अब आप इसे देखिए, सर डॉक्टर से देखिए, ये रुद्राक्ष की माला पुलिस ने स्टीवन मार्क्स की टेंट से हासिल की है। आप ही की? जी हाँ, ये हमने ही उसे भेंट में दी थी। उसे क्षमा मांगने के पश्चात हमने उसे अगली रात पुनः मिलने को कहा था। मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते बदसा? इसमें न मानने वाली क्या बात है? ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपने बड़े दयालु होकर अदालत को दिखाई, इसमें हमें सिर्फ जगानंद बाबा का आगमन दिखाई दिया, प्रस्थान नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे ये स्पष्ट हो कि स्टीवन मार्क्स की हत्या जगानंद बाबा ने की है। और केवल इतना ही नहीं बनसा, फोरेंसिक्स के अनुसार स्टीवन मार्क्स की हत्या रात के 2 और 2:30 बजे के बीच हुई थी, और आपके इस रिकॉर्डिंग पर न दिन दर्ज है न समय। तो क्या यह संभव नहीं कि यह रिकॉर्डिंग किसी और दिन का हो? हत्या के दिन का ना हो, हत्या के समय का ना हो, संभव है? अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं दिव्येंदु जी से चंद प्रश्न पूछना चाहूंगा। धन्यवाद। हाँ तो दिव्येंदु जी, इस वृत्त चित्र के कैमरामैन आप ही हैं? जी सर। क्यों इस फुटेज पर दिनांक और समय दर्ज नहीं है, क्या है इसका कारण? गलती से कैमरे में डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गया था मैं। आप अपना कार्य करना भूल गए थे, अपने कैमरा पर डेट और टाइम की सेटिंग करना भूल गए थे। अगर आपने ये भूल न की होती दिव्येंदु जी, तो संभवतः हम ये स्पष्ट कर पाते कि जगानंद बाबा स्टीवन मार्क्स की हत्या से 1 घंटा पहले ही उस टेंट से बाहर चले गए थे, वो दोष मुक्त थे। लेकिन अब आपके भूल के कारण आपको लगता है मैंने ये जानबूझ के किया? अरे मैंने तो सिर्फ कैमरा रखा था वहां पे, अमांडा ने खुद देखा था इसे। आई मीन इन्हें रात के 2:30 बजे। रियली? या। तो चलिए ना अमांडा जी से पूछते हैं। यस, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं अपने टेंट में थी जब रात की 2:30 बजे मैंने बाहर एक शैडो देखा। स्टीवन, स्टीवन, did you just? अमांडा जी, आपको पूरा विश्वास है कि रात के 2:30 बज रहे थे? यस। अच्छा, तो क्या आपने उस अघोरी का चेहरा देखा था? वेल नो, बट इट हैज टू बी हिम। और कौन होगा? हो तो कोई भी सकता था। ये देखिए कितने सारे अघोरी हैं। योर ऑनर, बात में थोड़ी विचित्रता है। दिव्येंदु जी ने हमें दृश्य दिखाया किंतु दिनांक का पता नहीं, समय का पता नहीं, और अमांडा जी कह रही हैं कि उन्हें समय का पता है किंतु चेहरा इन्होंने नहीं देखा। इसमें विचित्रता की क्या बात है? दो आधे आधे दृष्टिकोण हैं। यदि उन्हें मिला दिया जाए तो एक संपूर्ण दृष्टिकोण बन जाता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जगानंद जी ही हत्यारे हैं। समय अनुसार पता चल ही जाएगा। अमांडा जी, उस टेंट में जगानंद जी के जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति भी आया था,
या कहूं कि आई थी आप. यू थिंक आई किल्ड स्टीवन? मे बी. नो, आई लव्ड हिम. वो मेरा बॉयफ्रेंड था. बॉयफ्रेंड था, भूतकाल, पास्ट टेंस. नहीं समझे आप? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं आपको इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए. थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं कि जब दिव्येंदु जी व्यस्त थे आपके और स्टीवन के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसे सुलझाने में, तब क्या हुआ था. इसमें देखने वाली क्या बात है केडी? अमेंडा जी गुस्सा हो रही हैं स्टीवन पर कि उसकी वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई, और स्टीवन उनको समझा रहा है. बस इतनी सी बात. यस यस आई एग्री. बट इस घटना के बाद अमेंडा जी, स्टीवन ने अपने गले से एक चेन तोड़कर जमीन पर फेंकी थी, जिसके कारण आप फूट फूट कर रोने लगी थी. क्या था ये चेन? A gift of love, प्यार की निशानी शायद. That I no. No. Are you sure? क्योंकि वो चेन अभी हमारे पास नहीं है. ये देखिए, यही है, यही चेन है. इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है अमेंडा जी, देखें. फॉरएवर लव, सो स्वीट, कभी ना खत्म होने वाला प्यार. अमेंडा जी, क्या आप अब भी यही कहेंगी कि ये चेन आपने स्टीवन को प्यार की निशानी के रूप में नहीं दिया था? स्टीव और मेरे बीच में प्रॉब्लम्स चल रहे थे किसी दूसरी लड़की को लेकर. Which is why I was not talking to him. लेकिन उस रात के फाइट के बाद उसने हमारे रिश्ते को ही तोड़ दिया. अंग्रेजी में कहावत है अमेंडा जी, Hell hath no fury like a woman scorned. अर्थात एक ठुकराई हुई महिला के प्रकोप से अधिक भयानक तो नरक भी नहीं. और इसका अर्थ आपसे बेहतर और कौन जान सकता है. अमेंडा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी प्रकोप के चलते बेचारा स्टीवन मारा गया हो? इट्स पॉसिबल. मिस्टर पाठक, इससे पहले कि आप अमेंडा का रिश्ता इस केस से जोड़ दें, मैं आपको वापस इस केस में ले चलता हूं. आपका कहना है कि बाबा जगानंद स्टीवन मार्क्स के टेंट में रात को 2:30 बजे नहीं बल्कि 1:30 बजे गए थे. बिल्कुल ठीक कहा आपने. तो फिर वो 2:30 बजे कहां थे? उचित प्रश्न पंचाब. रात के 2:30 बजे शमशान के पीछे जो बहती हुई नदी है उसके किनारे एक विशाल सा पेड़ है. उस पेड़ के नीचे बैठकर बाबा जगानंद समाधि कर रहे थे. वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है. अब आपकी आंखों से तो हर चीज सुंदर नजर आती है. क्यों बाबा, सत्य है मेरी बात? जी हाँ, साधना खत्म होने के बाद मैं वहां विश्राम कर रहा था. वहां हमारे साथ हमारा शिष्य चंडीदास भी था. तो यदि मैं आपके शिष्य चंडीदास से कुछ प्रश्न करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्या आपत्ति हो सकती है? जय बाबा भैरवनाथ. चंडीदास जी. बोलो महाराज. स्टीवन मार्स का कत्ल रात को 2 से 2:30 के बीच हुआ था. यदि आप ये कहते हैं कि महाराज जी उस समय वहीं कहीं शमशान भूमि के आसपास ही थे तो उन्हें इस केस में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे गुरुदेव परम पूजनीय जगानंद बाबा जी ने जो सबसे पहला पाठ हमें सिखाया था वो ये है कि बेटा चंडीदास, सदैव सत्य का साथ दो, मिथ्या का नहीं. और वैसे भी
जिसके पास सत्य जैसा ईश्वर हो उसे झूठ की दुनिया से कैसा भय, कैसा भय उसे झूठ की दुनिया का। और आज भी हम सत्य ही बोलेंगे, और सत्य यह है कि उस रात 2 से 2:30 के बीच परम पूजनीय गुरुदेव जगानंद महाराज शमशान भूमि पर नहीं थे। चंडी, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, परंतु हमने स्वयं आपको उस तंबू से बाहर निकलते हुए देखा था और उस तकिए को झाड़ियों में फेंकते हुए भी देखा था। अच्छा किया महाराज जो मार दिया आपने उस लौंडे को। और वैसे भी आपको कैसा भय है आपको? आप ही तो कहते थे गुरुदेव, आप ही तो कहते थे कि एक अघोरी को 7 खून माफ है। दुष्ट, हम भाप गए, हम सब भाप गए, तू क्या करना चाहता है? घबराइए मत महाराज, अरे ये तुच्छ प्राणी क्या जाने आपकी शक्तियों को, क्या समझेंगे आपकी ताकत को। अभी तो सिर्फ 1 खून हुआ है महाराज, अगर 6 खून और भी हो जाए ना तो भी स्वयं शमशान माँ तारा आकर आपको बचा लेगी। चुप हो जा तू, चुप हो जा। हमें क्रोध इस बात का नहीं कि तू हमारे विरुद्ध झूठ बोल रहा है, हमें क्रोध इस बात का है कि तू मेरा शिष्य होकर झूठ बोलता है। अघोरियों का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। शांत हो जाइए प्लीज। और तेरे इस झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से, और तेरे काले दिल की तरह तेरा जिस्म भी जलकर काला हो जाएगा। तुझे मेरे प्रकोप से और माँ तारा भवानी के प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता। मैं वो जानता हूँ जो कोई नहीं जानता। तू मरेगा, कल ही मरेगा। महाराज जगन्नाथ जी शांत हो जाइए प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए। ये क्या हो रहा है? जगन्नाथ जी आप किसी को कोर्ट में इस तरह धमका नहीं सकते। मरेगा तू, मरेगा। साधारण मनुष्य झूठ बोले तो समझ सकते हैं, लेकिन वो जो साधक है, जो अघोर पथ पर चल रहा हो, मेरा शिष्य चंडीदास, भरी सभा में, भरे अदालत में झूठ बोला उसने, वो ठोंगी पाखंडी चंडीदास, वो भस्म होगा, भस्म हो जाएगा वो। स्वामी शांत हो जाइए प्लीज। झूठ सच जो भी हो, लेकिन आप पर किसी की हत्या का आरोप है और इस प्रकार न्यायाधीश के सामने, अभियोग पक्ष वकील के सामने किसी और को जान की धमकी देना ये ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं लोग क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? समझ रहे हैं, जानते हैं, परंतु क्या करें? ये क्रोध, इस क्रोध पर ही तो नियंत्रण नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी क्रोध के चलते आपने स्टीफन को? कहावत तो सुनी होगी तुमने, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। और मैं कौन सा बादल हूं ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, तू भी नहीं जानता, और जो मैं जानता हूं वो कोई नहीं जानता। और रही बात उस चंडीदास की, तो सुन ले मेरी बात, कि उस चंडीदास के ऊपर तो मौत के बादल मंडराने लगे हैं। मरेगा वो, अवश्य मरेगा। शमशान तारा के प्रकोप से मरेगा वो, मरेगा वो, और कोई नहीं बचा पाएगा उसे।
सुन रहा है तो मेरी बात? कोई नहीं बचा पाएगा उसे। जा जा तू, मुझे अपनी साधना में बैठना है। जाओ बाबा भोलेनाथ की जय। बाबा वरुण, इस समय अमेंडा और दिव्यन्दु का तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, क्या तो बाबा जगानंद झूठ बोल रहा है या चंडीदास। मगर सर, गुरु को फंसा कर चेले को क्या मिलेगा? आई एम वेरी श्योर सर, इस बार आपने गलत इंसान का केस ले लिया। नहीं, वो पिलो केस, वीडियो फुटेज, ये सारे सबूत कह रहे हैं कि अक्सर वरुण, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हमें वो देखने की चेष्टा करनी चाहिए जो देखने पर भी नहीं दिख रहा, क्योंकि वो दिखना चाहता नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पीछे खड़ी हुई घूंघट में महिला, नाना अभी मत मुड़ना, सचेत हो जाएगी। ये देख, ये महिला शमशान में भी थी और कल अदालत में भी। जरा जाके पता लगा कि घूंघट चेहरा छिपाने के लिए है या असलियत छिपाने के लिए। अरे जगर भैया। हाँ साहब। कहाँ जा रहे हो? हाँ वहाँ जरा काम से जा रहा था। अरे रुको रुको, हम आ रहे हैं। हाँ उधर से आइए साहब। अरे ये चंडीदास कहाँ मर गए? अमित से मिलने को घाट पे गया। अमित से मिलने घाट पे गया है, अगर ये दुनियादारी कब छोड़ेगा? सिर्फ नाम का घोरी है, काम का नहीं। मुझे सब पता है वो ढोंगी समय कहाँ होगा। सब बंगोला मस्त रहे चोला। अरे तिवारी, एक बोतल और ला कर ले, जल्दी लेकर आ, नहीं तो साला भस्म कर देंगे तुम्हारा ठेका। जब हम इलेक्ट्रीशियन थे तो साला गली का कुत्ता नहीं पूछता था हम। राज देखो साला, मजा आ रहा कोई हमारी बात काट दे। अरे भाई राज करते हैं हम यहाँ पर, समझे? राज करते हैं, सब मुफ्त में भैया। अच्छा तो इसलिए आप अघोरी बने? घड़ी बढ़िया है तुम्हारी, निकालो। क्या देख रहे हो? बनाएगा कौन बे? वो लौंडिया भी अच्छी है जी? अरे वो गोरी मैम, कब लेकर आ रहा है उसे हमारे पास? अरे बाबा जी क्या बात करते हो, मैं कहां से उसको लेके आऊंगा बाबा जी? यही बैठा बैठा जला कर आग कर देंगे तुमको, और बता देंगे अदालत में जाके साला सब सच सच। क्या समझ के रखे हो? आई वॉन्ट लड़की, लड़की चाहिए हमको। यही बैठा बैठा जला कर आग कर देंगे तुमको, और बता देंगे अदालत में जाके साला सब सच सच। क्या समझ के रखे हो? बाबा जी, बाबा जी, एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक। आई वॉन्ट लड़की, लड़की चाहिए हमको। मैं देखता हूँ मैं कल क्या कर। अरे कल किसने देखा है, आज चाहिए हमको लड़की। मजाक समझ रहे हो साला? भोलेनाथ बाबा जी इसको रखिए, रखिए रखिए आप, इसको रखिए, रखो देखता हूँ मैं क्या कर। सावधान रहना, चाहिए हमको। चुप कर, चुप कर वरना तुझे भी
केड़ी सर, चंडीदास की मौत हो गई। क्या? कब? सर कल रात को सर। और सर सबसे अजीब बात यह है कि उसकी मौत बिजली से हुई है, शमशान भूमि के बीचों बीच। तेरे झूठ से धरती फटे ना फटे, अंबर फटेगा बिजली से, मरेगा तू, मरेगा। कल पूरी रात बिजली कड़की साहब, हमारे सामने ही पी के गया था। इसके बाद इसकी चीख सुनाई दी और साहब आकर देखते हैं तो ये मरा पड़ा हुआ था, पूरा पूरा बदन काला पड़ गया था साहब। लेकिन यहाँ तो ना बिजली का खंबा है ना तार, बिजली लगी कैसे उसे? अंबर फटा, बिजली चमकी और चंडी मर गया। जगानंदा गोरी को सात खून माफ है, सात खून, अभी तो दो ही हुए हैं, पांच और बाकी है। पांच और। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.